राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो में बात करेंगे एमडीयू के, जो कल से आपके पीजी के एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उनके बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि भाई वहाँ पे क्या लेके जाना है, नेगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग या फिर आपके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट है। कुछ के नाम गलत हो रहे, कुछ के सेंटर गलत आए हुए हैं, उन चीज़ों के बारे में। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। तो सबसे पहला डाउट था कि आपका पेपर है कितने नंबर का आएगा, कैसा पेपर आएगा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। ठीक है, तो आपका जो पेपर है वो आपका 100 नंबर का आएगा। ऑप्शन टाइप सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको ओएमआर शीट के ऊपर अपने घोड़े हैं वो भरने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ने क्लियर लिख रखा है प्रोस्पेक्टस में कि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2020 तक आपकी नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी। ठीक है, यानी कि जो 19-20 का बैच था वहां तक नेगेटिव मार्किंग थी। 20 में कोविड आ गया था, 21-22 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और 23 में भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके एडमिट कार्ड की बात करें तो जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, वहीं से आपके एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड है वो आए नहीं है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं एमए इंग्लिश के हैं, उसके बाद एमपीईडी के स्टूडेंट और बीपीईडी के, उनके आपके एडमिट कार्ड है वो शो नहीं हो रहे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप अपना जो लॉगिन है ईस्मार्ट के ऊपर लॉगिन करते हो ना, क्रोम ब्राउजर पर या कहीं पर भी, ठीक है, वहाँ पर आप डेस्कटॉप साइट करके लॉगिन करना। ठीक है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हो। अगर वहां पे भी जब भी आपका अगर एडमिट कार्ड नहीं आता है तो कल सुबह भाई अपना जाकर ना एक बार एमडीयू में डिस्टेंस डिपार्टमेंट के अंदर एमडीयू हेल्प डेस्क है, वहां पे जाके अपना डाउट बताओ कि सर मेरा एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं है रहा, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से निकाल के आपका एडमिट कार्ड है वो दे देंगे। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं कि आपके नंबर है वो कितने तक आने में आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो आपके मैं बता दूं कि अगर आपके 50 नंबर के अराउंड आपके नंबर आ जाते हो तो आपका सेफ स्कोर रहता है, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बना के बता दिया था कि किस कोर्स में कितना कंपटीशन है। कुछ कोर्स में तो ये भी है कि अगर आपके 30-35 नंबर भी आ गए ना, जैसे संस्कृत है, हिंदी है, वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा आपका ईजिली। उसके बाद जो मीडियम है 40-45 नंबर पर भी एडमिशन हो जाएगा, धक्के खा के वो भी है। उसके बाद आपके कुछ कोर्स है जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस है, उसके बाद आपका एलएलबी है, इनमें आपका थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला। उसके बाद जो लाइफ साइंस है, जूलॉजी, बोटनी, फूड टेक्नोलॉजी वगैरह है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें आपका कंपटीशन है वो मीडियम सा रहेगा। ठीक है, यानी कि आपके ये है कि 50-55 नंबर आ जाए तो इजीली आपके एडमिशन है वो हो जाएंगे। तो अपना जो सेफ स्कोर है वो आप अपना 50 नंबर लेके चलो। अब आपको ये पता नहीं होगा कि हमारे नंबर 50 आ सकते हैं नहीं आ सकते, तो उसका सलूशन भी हमारे पास है। जो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है इस नंबर के ऊपर आप जाके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, 3 साल के 4 साल के 5 साल के, ठीक है, जो आपके बीएससी वगैरह एमएससी वगैरह करेंगे ना, जो स्टूडेंट आपका मैथ से है, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से है या फिर आपका लाइफ साइंस, उनको हम 4 साल से 5 साल के प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो और आपके बीए के उनके मिनिमम 2 साल 3 साल के तो हम करवा ही रहे हैं प्रोवाइड। ठीक है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ₹50 पर कोर्स के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका फायदा ये रहने वाला है कि इसमें पहली चीज तो आपको एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करके देखोगे तो उसमें आपको यह पता लग जाएगा आपके नंबर कितने आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको वहां पर 1 घंटा 15 मिनट मिलती है एंट्रेंस में, तो आप टाइमर लगा के घर पर एक बार पेपर करके देखोगे ना तो उसमें पता लग जाएगा आपका पेपर 1 घंटा 15 मिनट में पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपके जहां पे नंबर कट रहे हैं तो आप देखोगे किन टॉपिक्स में आपके नंबर कट रहे हैं, तो वो टॉपिक आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है आपके पास और आपको ये है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आने में ही फायदा। ठीक है, सो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और एक डाउट रहता था स्टूडेंट को कि हमें पेपर में ड्रेस कोड होगा या नहीं होगा और आपका क्या क्या लेके जाना। ठीक है, तो ड्रेस कोड कुछ है नहीं भाई। ठीक है, ऊट पटांग कपड़े पहन के मत जाना, कदे उड़ा उर्फ जाओ तो बनकर चले जाओ। ठीक है, और भाई अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और एक पेन, ठीक है, ये तीन चीज़ आपको लेके जानी है। आपका जो एग्जाम सेंटर है उसके अंदर फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ वगैरह कोई भी चीज़ आपके अलाउ नहीं है, वो आपको बाहर रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप अपने साथ अपने किसी यार दोस्त को या भाई बहन को लेके जा सकते हो, जो आपका बैग है वो अपने पास रख सकता है, क्योंकि वहाँ पे भाई आपको कोई चीज़ ऐसी अवेलेबल नहीं करवाई जाएगी जिसमें कि आप वहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, सो आज की वीडियो में यही था। अगर किसी का डाउट रहता तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जो आपको यहाँ पर आईडी दिख रही है, या फिर हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो क्वेश्चन पेपर के लिए। सो आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम।